हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का बुक लिस्ट देखेंगे कि किस राइटर का कौन सा बुक हमें पढ़ना है। हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि यूपीएससी मैथ ऑप्शनल के पे है, आप पहले उसे देख लें और फिर उसका बुक लिस्ट देखें। ये जो बुक लिस्ट मेरे द्वारा बताया जा रहा है, ये सजेस्ट किया गया है जो आईएएस टॉपर रहे हैं और जिनका मैथ्स में ऑप्शनल रहा है, यानी कि वो आईएएस टॉपर जो मैथ्स मेंस में मैथ्स ऑप्शनल लेके आईएएस क्रैक किए हुए हैं और काफी अच्छे से अच्छे, यानी कि बेहतर कह सकते हैं, बेहतर रैंक लाए हैं, उनके द्वारा ये बुक लिस्ट सजेस्ट किया गया है। यानी कि ये जो भी बुक लिस्ट होगा वो बेस्ट होगा आपके लिए। तो आइए पहले देखते हैं पेपर वन के लिए। पेपर वन में आपको पता है कि ये सारे चीजें आपको पढ़नी है, लेकिन कौन सी बुक्स किस राइटर से पढ़नी है आइए जान लेते हैं। पहला आपका आता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा आपको पढ़नी है ए आर वशिष्ठा का, जो कि कृष्णा सीरीज पब्लिकेशन का होगा, ठीक है ना। अब वहीं पे दो नंबर बात करेंगे कैलकुलस। तो कैलकुलस के लिए आप पढ़ेंगे दो बुक आती है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस आती है वशिष्ठा, और उसी में राइटर हैं डॉक्टर एस के शर्मा, जो कि कृष्णा सीरीज पब्लिकेशन की आती है। और दूसरा में आपको पढ़ना होगा एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि डॉक्टर डी सी अग्रवाल का कृष्णा सीरीज का ही आता है। और इसके लिए एक और अच्छी बुक है, बेहतर बुक भी हम कह सकते हैं, शांति नारायण की भी आती है एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस। तो आप ये दोनों कृष्णा सीरीज या शांति नारायण, दोनों में से किसी एक को अपना सकते हैं। बात करते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री की। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री की सबसे बेस्ट बुक हम कहेंगे ये अच्छा है पी एन चटर्जी की, जिस बुक का नाम है सॉलिड ज्योमेट्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों एक ही राइटर के आप खरीदेंगे, एम डी राय सिंघानिया, जिसका पब्लिकेशन है एस चंद। ये सबसे बेस्ट बुक सजेस्ट किया गया है टॉपर्स के द्वारा, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एक बुक आपको सेकेंड पेपर में भी रहेगा, मैं बताऊंगा सेकेंड पेपर के जो सिलेबस है उसमें ये एक बुक से आपका वहां भी एक टॉपिक कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं डायनेमिक्स की, डायनेमिक्स एंड एस्थेटिक्स। तो ये कृष्णा सीरीज पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। यहाँ पे राइटर क्या है वो थोड़ी से मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला। तो कृष्णा सीरीज का आप ले लेंगे, ये बेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस की। तो वेक्टर एनालिसिस के लिए आप ए आर वशिष्ठा एंड जे एन शर्मा या शांति नारायण या पी एन चटर्जी, तो आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए वेक्टर कैलकुलस के लिए वो ए आर वशिष्ठा एंड जे एन शर्मा। अगर ये नहीं मिलता है फिर आप शांति नारायण पे जा सकते हैं या पी एन चटर्जी पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा बुक लिस्ट था पेपर वन के लिए। पेपर वन के लिए अगर आप इस राइटर से या इस पब्लिकेशन के बुक से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ए टू जेड पूरा यूपीएससी के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी बुक आपको सजेस्ट की गई है, तो ये प्रिपरेशन के लिए बेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल पेपर टू के लिए। तो पहला है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको मॉडर्न अलजेब्रा लेना है ए आर वशिष्ठा का, जो कि कृष्णा सीरीज पब्लिकेशन का होगा। अगर ये नहीं मिल पाता है किसी कारण से तब आप खाना एंड भांबरे का बुक ले सकते हैं, ये भी बेस्ट है, ये भी बहुत सारे टॉपर्स के द्वारा सजेस्ट किए गए बुक है, तो ये भी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस आप अगर एम डी राय सिंघानिया, जो कि एस चंद पब्लिकेशन के हैं, इससे अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब वहीं पे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो इसके लिए बेस्ट है जे एन शर्मा, जो कि कृष्णा सीरीज पब्लिकेशन का है, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग इसके लिए बेस्ट है कांति स्वरूप, पी के गुप्ता, मनमोहन, एस चंद पब्लिकेशन की, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये ऑपरेशन रिसर्च में आता है, ऑपरेशन रिसर्च जो कि हमारा पीजी सेमेस्टर में होता है, यानी उसको आप एमएससी कह सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फोर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां पे क्या था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ पे है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों दोस्तों एक ही बुक के अंदर आता है और ये आपको लेना है एम डी राय सिंघानिया एस चंद पब्लिकेशन के, ये सबसे बेस्ट बुक है। अब यहाँ फाइव नंबर में देखते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसके लिए आपको लेना है ए आर वशिष्ठा कृष्णा सीरीज, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर ये नहीं मिलता है तो फिर आप दूसरे पे जा सकते हैं।
फिर अगर बात करें हम सिक्स में मैकेनिक्स एंड फ्लूइड्स मैकेनिक्स, तो ये लेना है आपको एमडी राय सिंघानिया, और इसका जो पब्लिकेशन है वो एस चंद है, ठीक है, एस चंद पब्लिकेशन का है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये तो था टॉप बेस्ट लिस्ट जो कि टॉपर्स के द्वारा एडवाइस किए गए हैं, सजेस्ट किए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको, मैं अपना कुछ जनरल व्यू रखता हूं आपको कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले प्रिपरेशन के शुरुआत में अगर आप बीएससी करके आए हुए हैं वो भी मैथ से, तो बीएससी अगर आप करके आए हैं तो सबसे पहले आप जो भी बुक अपनाए हैं बीएससी में, ठीक है ना, बीएससी में थर्ड ईयर होता है पार्ट वन टू और थ्री, तो इसमें जितने भी आप बुक पढ़ के आए हैं पहले मैं चाहूंगा कि आप उसी राइटर से तैयारी करें, क्योंकि ऑलरेडी आप उसका नोट्स बना चुके हैं बीएससी का, आप ऑलरेडी थ्री इयर्स का एग्जाम देकर आए हैं, ऑलरेडी आप अच्छा खासा प्रिपरेशन किए हैं बीएससी में। तो अगर आप उस बुक से शुरुआत करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। उस बुक के शुरुआत के बाद आपको लगता है कि नहीं यूपीएससी का सिलेबस के अनुसार मेरा जो टॉपिक है वो कवर नहीं हो पाया है, फिर आप इन सारे बुक को ले सकते हैं, इन सारे बुक पे जा सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी बुक हैं ये सारे के सारे स्टैंडर्ड बुक हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आखिर हम यूपीएससी में ऑप्शनल में मैथ्स ही क्यों चूज करेंगे, ठीक है ना, यानी कि हम मैथ्स क्यों चूज करेंगे यूपीएससी में, जबकि हमारे साथ बहुत सारा ऑप्शनल है, बहुत सारा ऑप्शन है कि हम दूसरे ऑप्शनल में ले सकते हैं। तो देखिए बाकी के आप कोई भी ऑप्शनल लेते हैं तो वहां पे सारा का सारा जुड़ा रहता है करेंट अफेयर से, ठीक है ना, करेंट अफेयर से, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा करेंट अफेयर से। तो आपके लिए हर साल अगर मान लेते हैं किसी कारण से, ये तो मैं चाहूंगा ही नहीं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ना निकले, लेकिन अगर किसी कारण से फर्स्ट अटेम्प्ट आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो सेकेंड अटेम्प्ट में क्या होगा कि क्वेश्चन का पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, चूंकि वो करेंट अफेयर से जुड़ा रहेगा। लेकिन दोस्तों मैथ्स के साथ ऐसा नहीं है, मैथ्स के साथ कोई भी करेंट अफेयर्स नहीं होता, यानी कि इसका पैटर्न नहीं बदलता है। तो ये फायदे हैं जो लोग मैथ्स लेते हैं, और उसके साथ साथ ये काफी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर हम इसलिए कह रहे हैं कि मैथ्स में आपके मार्क्स नहीं कटते, आपके स्टेप बाय स्टेप पे मार्क्स काउंट हो जाते हैं, आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं, तो इसलिए ये स्कोरिंग है। ध्यान दीजिएगा कि जो मेंस का जो जीएस होता है जनरल स्टडीज या एसे, इसमें आप कितना भी अच्छे से तैयारी कर दीजिए दोस्तों, अगर 250 मार्क्स का है तो 150 लाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये 150 अगर कोई ला रहा है तो ये केवल आप ही नहीं है जो 150 ला रहे हैं, बाकी लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो 150 ला रहे हैं, ठीक है, तो इतना वो भी ला रहे हैं और इतना आप भी ला रहे हैं। दोस्तों आपकी रैंकिंग जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो पूरा का पूरा आपका डिपेंड करेगा जो रैंकिंग है वो ऑप्शनल पे, और इसके साथ साथ इंटरव्यू पे भी डिपेंड करेगा कि आपको कौन से स्टेट मिलते हैं। तो ऑप्शनल बहुत बड़ा मुद्दा है, या ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती है लोगों के लिए कि वो चूज करें ऑप्शनल को। तो ये ऑप्शनल जो होना चाहिए आपके इंटरेस्ट एरिया में होना चाहिए, और मैंने बताया मैथ्स के लिए कि क्या है, मैथ्स में आप आराम से क्या कर सकते हैं कि इन सारी चीजों को कवर कर सकते हैं अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है और आप ग्रेजुएशन करके आए हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं कि मैथ्स में क्या केवल बीएससी से काम चल जाएगा। अगर हमने बीएससी कर रखी है तो बीएससी में आप थ्री इयर्स अपना स्पेंड किए हैं, तो बीएससी के साथ साथ जो यूपीएससी का सिलेबस है वो आपके बीएससी के थ्री इयर्स तो कवर करता ही करता है, लेकिन साथ में एमएससी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर वो भी कवर करता है। तो आपको जरूरी है कि आप एमएससी के जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस या जो बुक है आप उसे भी प्रिपेयर कर लें। अब आपके पास एक और क्वेश्चन होगा कि मैथ्स ऑप्शनल की प्रिपरेशन के लिए क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए। तो दोस्तों हम कहेंगे अगर आप बीएससी में ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हैं, आप ये पढ़ चुके हैं, तो मैं कहूंगा कि आप खुद से प्रिपरेशन कीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको लगती है कि नहीं मुझे खुद से नहीं हो सकता, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप खुद से तैयारी करें, खुद से करेंगे आपका सबसे बेटर तैयारी होगा, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन में नहीं है या ट्वेल्थ में है
और ट्वेल्थ में मैथ्स लेकर पढ़ रहे हैं और उनके माइंड में कहीं ना कहीं आईएएस की प्रिपरेशन आ रही है। दोस्तों मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप बीएससी कर रहे हैं, यानी कि जब आप बीएससी करना चाहते हैं ट्वेल्थ के, तो उसमें ये जो आपको बुक लिस्ट बताया गया है ये तीनों ईयर को कवर करता है। तो मान लीजिए बीएससी में आपका फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में जो भी आपके लिए टॉपिक आता है या बुक्स आता है मैं आपको रेफर करूंगा। अगर आप यूपीएससी में रियली मैथ्स ऑप्शनल के साथ इंटर करने वाले हैं तो आप इन सारे जो राइटर्स हैं इनका बुक्स फॉलो कीजिए, ताकि आपको ये तीन साल तो इसमें आप स्पेंड करेंगे लेकिन इसके साथ साथ आपका यूपीएससी ऑप्शनल ऑलरेडी तैयारी हो चुका होगा। तो ये कुछ सजेशन थी जो ट्वेल्थ क्लास में है और वो यूपीएससी में आना चाहते हैं या आईएएस बनना चाहते हैं या आईपीएस बनना चाहते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देखिए इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके माइंड में डाउट होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से राइटर पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या है, उसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, हमें कब तैयारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो दूसरे स्टूडेंट शेयर करते हैं तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या आप उन्हें बता सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।